आज एक्चुअली हमारा सेंट्रल जेल अजमेर का विज़िट था यहाँ पर, और कई दिनों बाद यहाँ पर आना हुआ था। सुपरिंटेंडेंट ने भी चार्ज ले लिया नया, तो मैं आज यहाँ अंदर जेल की व्यवस्थाएं देखने के लिए आई थी और सुपरिंटेंडेंट से चर्चा भी करी कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इनकी जो समस्याएं थी वो इन्होंने बताई, और अंदर जो है हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चल रहे हैं जेल में। कारपेट मेकिंग का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद में फर्नीचर भी ये लोग यहाँ पर बना रहे हैं। इसी तरीके से कुछ वुडन आर्टिकल्स हैं, उनका भी काम चल रहा है। एक लिटरेसी का भी प्रोग्राम हमारा है, जो यहाँ पर हमारे इनमेट्स हैं, कैदी हैं, उनके लिए चलाया जा रहा है। और बड़े ही मतलब खुशी का विषय है कि जिन बंदियों को कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता था, आज वो पढ़ लिख पा रहे हैं और पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक नया बैंड भी बनाया है इन्होंने, वो बैंड अभी आप लोगों ने भी सुना था कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। इसके अलावा एक ऑर्केस्ट्रा टीम भी तैयार करी है, जो कि अब बाहर भी परफॉर्म करने जाने लगे हैं यहाँ पर। इन्होंने कुछ दिनों पहले यहाँ पर, जैसा मुझे बताया गया, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी परफॉर्म किया था। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की स्किल्स ये बंदी सीख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जब बाहर निकलते हैं तो ये आत्मनिर्भर होंगे और समाज में सम्मान के साथ जी सकते हैं। नमस्ते मैम। मैडम नमस्ते, सब बढ़िया मैम, आप सुनाइए। एक सेकंड मैम, थोड़ा टाइम लगता है ना उसमें।